हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, होली आने वाले हैं। यदि होली पे इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कैनवास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं। सिंपल आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और वीडियो को अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड को 14 सेकेंड तक रहने देता हूँ। इसके बाद डन करते हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है। सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है। सिंपल आपको यहाँ पे क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है और बैकग्राउंड पे आपको यहाँ पे कलर जो है आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका वीडियो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर दो वीडियो शूट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो आपको किस प्रकार शूट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है ग्रीन स्क्रीन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 2.2 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो वीडियो शूट किया उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल फर्स्ट वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर आपके ऊपर कोई फेंक रहा है, कुछ इस तरह से पीछे की तरफ जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड का पार्ट जो था हमारा एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। इसके बाद 2.1 या 2.2 पे आना है। इसके बाद इस वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और आपका देखना है यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन कहाँ पे खत्म हो रहा था। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर से हमें इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। इस वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देते हैं। इसके बाद सेकेंड वीडियो आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने सेकेंड वीडियो किस प्रकार शूट किया हो, जैसे कि देख सकते मैंने किसी के ऊपर कलर फेंक रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा एक्स्ट्रा था। इसके बाद हमें देखना है ग्रीन स्क्रीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि फिर से हम आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे और इसके बाद 6.6 पे आना है। इस वीडियो को प्रेस करके रखना है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपका ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद ओरिजिनल साउंड को हमें म्यूट कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे देखने को मिल जाएंगे। हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यदि आप अपने वीडियो को कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कलर फिल्टर पे आएंगे और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर चाहिए आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल ही रहने देता हूँ सिंपल। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट का जो साउंड जो होता है हमारा स्लो हो जाता है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।